नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं जो कि दुनिया के लिए तो मुसीबत है ही, लेकिन भारत के लिए एक बड़ी चिंता बन चुका है। और राजस्थान के अंदर जो खास करके आदिवासी इलाके हैं वहां पर तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि इसको लेकर के तमाम कोशिशें की जाती हैं, पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कोशिश के बाद भी कुपोषण का जो कलंक है वो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। बारा के किशनगढ़ में करीब 125 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं और इन सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन प्रशासन के सामने इन्हें ठीक करना और कुपोषण को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बारा के किशनगंज शाहाबाद में रह रहे इन आदिवासियों को देखकर आप इनकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। गरीबी का दंश झेल रहे इन परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने बच्चों को बचाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जन्म लेने वाले ज्यादातर बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ दिनों में हुए सर्वे में सिर्फ शाहाबाद के इलाके में ही 250 से अधिक बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। ये स्थिति तब है जब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बारा देश के पहले 3 जिलों में शामिल है, बावजूद इसके बच्चे तंदुरुस्त तो दूर स्वस्थ भी नहीं है। ये बच्चा आपका ही है? हाँ। क्या नाम है बच्चे का? कार्तिक। कार्तिक, कितने साल का है? ढाई साल का। ये कुपोषित है, इसको लेकर आपने कहीं दिखाया? खेलवाड़े ले गया हम। अच्छा, सरकारी प्राइवेट में? सरकारी। तो कितने दिन रोका वहाँ? एक दिन पहले गया जी, उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि इसकी जांच करवाओ। उस दिन जांच नहीं हुई, फिर मैं दूसरे दिन फिर गया, उसी दिन जांच करवाई मैंने जी। अब डॉक्टर ने बोला कि इसमें खून की कोई कमी नहीं है, कहीं ये आप गोली दवाई ले जाओगे। अच्छा, 2-4 दिन बाद फिर बतवाना जी। ठीक। स्थानीय प्रशासन सभी बच्चों का बेहतर इलाज करवाने का दावा कर रहा है, लेकिन आप यहाँ की हालत को देख कर स्वास्थ्य सुविधाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। नौबत ये है कि जिला अस्पताल में 20 बेड स्वीकृत हैं। हॉल की कमी की वजह से 18 बेड ही लग पाए हैं, जिसकी वजह से एक बेड पर 10 बच्चों का इलाज हो रहा है। इसके अलावा एमटीसी वार्ड में भी स्टाफ और सुविधाओं में भारी कमी है। तो सवाल ये है कि क्या हम कुपोषण से ऐसे ही जंग लड़ेंगे, और क्या इस स्थिति में कुपोषण का कलंक मिट पाएगा? प्रदेश भर के कुपोषण के आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं। करीब 1,90,000 बच्चे कुपोषित हैं, जहां सबसे ज्यादा कुपोषित उदयपुर में 12,976 बच्चे हैं, वहीं सबसे कम कुपोषित जैसलमेर में 2,246 हैं। कहने में कागजों पर कुपोषण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें एकीकृत बाल विकास योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, मैं शक्ति उड़ान, खाद्य लाभार्थी योजना चल रही है, लेकिन हालत धरी की धरी है। इन योजनाओं के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को मूंग दाल, चावल, खिचड़ी दी जाती है। इसके साथ ही गेहूं की दलिया, मीठा दलिया, बालाहार प्रीमिक्स भी दिया जाता है। इसी तरह अति कुपोषित बच्चों का भी आहार ज्यादा रहता है। इसके अलावा परिजनों को भी आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन इन योजनाओं का जमीन पर असर कम दिख रहा है, खास करके आदिवासी इलाकों में, क्योंकि सबसे ज्यादा आदिवासी इलाकों में ही कुपोषित बच्चे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर बड़ी बड़ी योजनाओं के चलने के बाद भी कुपोषण के आंकड़े कम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इसके कई कारण हैं। मसलन ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव है, कम पढ़े लिखे लोग निर्देशों का पालन सही से नहीं कर पाते। कई जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्रों में स्टाफ की भी कमी है, फील्ड में सर्वे और पोषण कार्यक्रम भी रेगुलर नहीं चल पाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि करोड़ों खर्च होने के बाद भी कुपोषण कम क्यों नहीं हो रहा है। क्या योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं कोई कमी रह गई है? योजनाओं की रेगुलर मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? आखिर ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता कैंपेन क्यों नहीं चलाए जाते हैं? पोषण पर काम कर रहे अधिकारी जब तक इन सवालों पर गौर नहीं करेंगे, तब तक कुपोषण के ग्राफ को घटाना आसान नहीं होगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बारा से ब्रजेश कुमार।
तो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, डराने वाली है और ये बताने वाली रिपोर्ट है कि ग्रामीण इलाकों में खास करके बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कई संस्थाएं हैं, कई एनजीओ हैं, सरकार की कई योजनाएं हैं जो कि इस दौरान चलाई जाती हैं, लेकिन इसका असर कितना हो रहा है बात उसको लेकर के भी होना बड़ा ज़रूरी है और इसी को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, ज़रा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर राकेश बागड़ी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बाल सुरक्षा विशेषज्ञ वरुण पाठक जी कार्यक्रम में हैं, हमारे साथ SST समाज शिल्पी दंपति हरीश गुरबख्शानी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर राकेश बागड़ी सर, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। अभी के जो हालात हैं और जो रिपोर्ट बताई जा रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ग्रामीण इलाकों के अंदर खास करके स्थिति ज़्यादा ख़राब है। कई अस्पताल तो ऐसे हैं जहाँ पर बेड तक बच्चों के लिए उपलब्ध करवाने में अस्पताल जो है वो समर्थता नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि एक ही बेड पर 3 से 4 बच्चों का इलाज चल रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी तब जब इतना मोटा पैसा खर्च किया जाता है, NGO इसमें काम कर रही हैं, एक लंबे समय से इस पर फोकस किया जा रहा है, कमी कहां पर है? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो मरीज है हमारे उसके अनुपात में बेड रेशियो नहीं है, तो ये तो एक काफ़ी पुरानी समस्या है जो हमने कई बार दिल्ली में, मैंने जो अपना MBBS MD दिल्ली से किया था, तो वहाँ पे भी हमें सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलता था कि जो अपने मरीजों का अनुपात है उसके अनुपात में हमारे पास बेड उपलब्ध नहीं है। किसी भी बड़े से बड़े आप केंद्रीय सेंट्रल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए, उसमें भी एक बेड पे आपको दो दो तीन तीन मरीज मिलेंगे। तो स्टेट्स में तो ये थोड़े ये आंकड़े और भी खराब है और ये स्थिति और भी खराब है। जब केंद्र के सरकारों में ही हमने ये काफी कमी देखने को मिली हमारे MBBS और रेजिडेंट्स की रेजिडेंसी के दौरान, तो ये समस्या है कि हमारे देश में जनसंख्या भी एक मेजर फैक्टर है और कहीं ना कहीं रिसोर्स तो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स है वो डेफिनेटली कम है, जिसकी वजह से डॉक्टर और हेल्थ कर्मी है वो भी अनुपात में नहीं है जितने होने चाहिए। अगर हम बाहरी देशों से अगर कंपेयर करें तो जितने अनुपात में हमारे डॉक्टर कर्मी या स्वास्थ्य कर्मी होने चाहिए मरीजों के अनुपात, इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि हेल्दी फूड खाना उपलब्ध कराना ये बहुत जरूरी है और अब कुपोषण से बचना और उसके लक्षण, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए दर्शकों को, ताकि आसानी भी रहे लोगों को ये समझने में कि भाई ये कितनी बड़ी परेशानी है। जी सर, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये माल न्यूट्रिशन बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, इसको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन एक टर्म होती है जो एक कुपोषण को बताती है कि वो बच्चा कितना कुपोषित है, तो उसकी डिग्री होती है कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर करके ऐसा होता है। तो मैं बात करूं, अगर पीडियाट्रिक आंकड़े की बात करूं, बच्चों के आंकड़ों की करूं, तो जो अंडर 5 जो 5 साल से कम उम्र के में अगर एक मोर्टिलिटी रेट, तो जिसे आप बोले कि कितने बच्चे बीमारी की वजह से शिकार हो रहे हैं मौत का, तो उसमें एक मेजर पोर्शन मोर देन 50 के अराउंड इसका सबसे बड़ा कारण क्या खान पान ही है, माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। खान पान ही इसका सबसे बड़ा कारण? जी सर, मैं अभी उस पे आ रहा हूँ। हाँ। मैं उस पे आता हूँ सर। हाँ। तो एक ये एक इतनी गंभीर बीमारी की मोर देन 50% जो टोटल अंडर 5 मोर्टिलिटी है उसमें ये एक मेजर पोर्शन है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो ग्रामीण, आपने बात करी ग्रामीण इलाकों में होता है, तो जैसे मैंने दिल्ली में भी काफी लोग आते थे हमारे रूरल एरिया से, बैकवर्ड आउटर स्टेट से आते थे। हाँ। और जो मैंने राजस्थान में भी नोटिस किया, अपने यहाँ पे भी नोटिस किया, तो हाँ। जो ग्रामीण इलाकों में है सर, कुछ एक तो जो बच्चों को स्टार्टिंग से कुछ फॉल्टी प्रैक्टिसेज होती है, ब्रेस्ट फीडिंग जो स्तनपान हम बताते हैं कि जन्म से ही हम स्तनपान करा है और आगे कैसे कैसे सावधानी रखनी चाहिए। हाँ। तो कहीं ना कहीं या तो सर जवाब ये जानकारी जो उन तक पहुंच पा रही है वो पर्याप्त नहीं पहुंच पा रही है, या हम संदेश से नहीं पहुंच पा रहे हैं, और अगर शुरुआत से ही अगर आपने बच्चों के लिए ध्यान नहीं दिया तो ये आगे बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं वापस लौटता हूँ सर आपके पास। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर विजय भट्ट जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ये शुरुआत होती है पहले दिन से। हाँ बिल्कुल सर, एक और मैं ऐड करना चाहूंगा, ये स्टार्ट होती है पहले दिन से सर। पहले दिन बोला जाता है
कि स्तनपान सबसे अधिक आवश्यक है, उससे वो अमृत के समान है माँ का दूध। लेकिन मैं मैक्सिमम गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में कोई बोतल से दूध दे रहा है, कोई गाय का दूध दे रहा है, कोई बकरी का दूध दे रहा है, तो ये एक बहुत दुखद स्थिति है जो मैंने नोटिस की है। जो भी अपने थोड़े ग्रामीण इलाकों से आते हैं तो यहीं से आपके माल न्यूट्रिशन वाली जो शुरुआत है वहीं से शुरू आ जाती, तो हमें इसी स्टेप से पकड़ना है, यहीं से शुरुआत से आपको शुरू करने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं सर बाकी मेहमान भी जरा उनसे भी एक एक शुरुआत करना है। हाँ, मैं वापस लौटता हूँ सर आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर विजय भी हैं। विजय सर, आपको क्या इसमें नजर आता है, ये कुपोषण के पीछे असल वजह आपको इसके पीछे की क्या नजर आती है? नमस्ते सारे पैनलिस्ट को। देखिए, कुपोषण हर एज वर्ग में देखा गया है। जैसे डॉक्टर साहब पीडियाट्रिशियन हैं, उन्होंने आपको बच्चों के विषय में बताया प्राइमरीली। बट कुपोषण सिर्फ बच्चों की परेशानी नहीं है, बच्चों के लिए डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें होता है, बिकॉज वो ग्रोइंग एज होता है तो उससे उनकी लाइफ में आगे इफेक्ट पड़ जाता है और वो हमारी कंट्री के हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड्स में से एक माना जाता है। लेकिन हम प्राइमरली अडल्ट्स में डील करते हैं, तो अडल्ट्स के अंदर में भी हम देखते हैं कि न्यूट्रिशनल इश्यूज होते हैं। वो एज के हिसाब से भी होते हैं, फर्टिलिटी के हिसाब से भी होते हैं, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से भी होते हैं, बिकॉज हम हर लेवल पे जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस रहेंगी। अगर हम एल्डरली लोगों की बात करते हैं तो उनके अंदर में न्यूट्रिशनल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? सबसे पहले उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है एज के कारण, तो उनका वेट गिरने लगता है, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू, उनकी जो आंतें होती है उनमें एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी खत्म हो जाती है, जो वो खाते हैं वो शरीर को लगता नहीं है। इसलिए आप देखोगे एल्डरली लोगों के अंदर में कई सारे विटामिन की कमी हो जाती है, पर्टिकुलरली विटामिन B12 है, विटामिन डी है। तीसरा, प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके अंदर में हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस डिफरेंट रहता है, बिकॉज उनकी डिमांड ज्यादा रहती है। ग्रेनिया है, उनके 3-4 बच्चे हैं तो उनका वैसे ही स्टेटस कम है, और ऊपर से जब आपकी बच्चे ज्यादा हैं तो आपकी पॉवर्टी लेवल बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन की एक्सेस कम हो जाती है, विद द रिजल्ट समय रहते रहते उनमें कई सारी की बीमारियां होती है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, बच्चों में रिकेट्स होते हैं, अडल्ट्स के अंदर में भी ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपेनिया हो जाता है, प्रोटीन न्यूट्रिशन कम होने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, B12 B5 की कमी के कारण डिमेंशियाज हो जाते हैं। तो कई सारे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, कुपोषण की कंडीशंस हैं जो अडल्ट्स में भी पाई जाती हैं, और वो हर वर्ग में अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती है और उनको हमें उसी हिसाब से एसेस करके एड्रेस करना पड़ता है। ये डेफिनेटली एक सीरियस इश्यू है, बिकॉज न्यूट्रिशन हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी डे टू डे की एक्टिविटी के लिए, हमारी जो है इम्यूनिटी और हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बिल्कुल, और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है, जैसा कि राकेश जी ने बताया, विनय जी ने बताया कि इसके आगे की जो कहानी है बड़ा जरूरी है, क्योंकि इससे आपके कामकाज पर बड़ा असर पड़ता है। मैं जरा हरीश जी को भी जोड़ लेता हूं। हां जी जी, हमारी एज के हर एक स्टेप पे हमारे न्यूट्रिशनल डिमांड्स डिफरेंट हो जाती हैं और रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है, तो हमें हर लेवल पे बच्चों में, नवजात शिशुओं में, बच्चों के अंदर में, फिर एडोलेसेंट्स में, फिर अडल्ट्स में, फिर मिडिल एज में, प्रेग्नेंट लेडीज में, ओल्ड लोग में, इन सब की अंदर अंदर न्यूट्रिशन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, और हमें ये एसेस करना है सब लेवल पे कि हमें किस तरह से उनको काम करना है। इसलिए आप देखोगे गवर्नमेंट की तरफ से फोर्टिफाइड चीजें आ रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन है पर्टिकुलरली इंडिया का, ये ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, ज्यादा सीरियल बेस्ड है, जबकि इसमें में प्रोटीन की कमी मानी जाती है। जब आप वेस्टर्न न्यूट्रिशन की बात करेंगे, उनके यहाँ न्यूट्रिशन मेनली प्रोटीन बेस्ड है, तो उनके यहाँ अंडे का, दूध का, मीट का, पोल्ट्री का सेवन ज्यादा होता है, बिकॉज उनकी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। जबकि हमारे देश में उल्टा हम लोग ज्यादा रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जिसमें पुअर क्वालिटी न्यूट्रिशन है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं लेकिन प्रोटीन की मात्रा सफिशियंट क्वांटिटी में नहीं मिलती है, जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसके बाद, हाँ इसके बाद सर मैं आपसे यही जानने की कोशिश करूंगा कि अगर इन चीजों को सुधारना है तो क्या क्या हमें अपनी डाइट के अंदर शामिल करने की जरूरत है। मैं वापस लौटता हूं, हमारे साथ हरीश जी भी कार्यक्रम में बने हुए हैं। हरीश जी, लेकिन हम ये देखते हैं कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं, एनजीओज काम कर रही हैं, समाज के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर उतना ज्यादा इम्पैक्ट क्यों नजर नहीं आ रहा है? हम लोगों को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है? इसका कारण मुख्यतः अभी जैसे मैंने दोनों डॉक्टर साहब के महानुभाव की बात सुनी तो उसमें ये मुख्य तौर से संसाधनों पे जोर दिया, हमें संसाधन बढ़ाने की बात करते हैं। हम इस विषय को भूल जाते हैं कि इन संसाधन का आते ही ना पड़े, ऐसा हमारा कार्य प्रणाली हो, हम आखिरी वहां तक पहुंचे बच्चे तक जहां पर उसकी जरूरत है, उस जरूरत को वहीं पहुंच दिया जाए तो संसाधनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चे आएंगे ही नहीं। तो इस सिस्टम में हमें सुधार की आवश्यकता है। ICDS का जो मामला है मुख्यतः उनको ये सुनिश्चित करना पड़े कि हमारे पास जो गर्भावस्था से ही, मतलब गर्भावस्था से ही हम लोग पोषण की व्यवस्था को सुनिश्चित करें,
और उसका पूरा रिकॉर्ड रखें, ऐसी स्थिति नहीं बने। ये इतने निचले स्तर पर या हम पायदान पर जाकर काम करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आज की व्यवस्था है, संसाधन निश्चित तौर पर बढ़ाने आवश्यक है, ये माना जाएगा। पर मैं एक चीज और देख रहा हूँ, आपके यहाँ पर कुछ आंकड़े रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आंकड़े सही नहीं है। अभी आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो मात्र 58 बजे 12 शहबाज में ये गए, जिसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इस पर भी बात करता हूं सर, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रही है, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस लौटता हूं जरा आपके पास, मैं जरा वरुण पाठक जी को भी जोड़ लेता हूं। वरुण जी, एक बड़ा सवाल है, आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ट्राइबल इलाकों में सबसे ज्यादा कुपोषण क्यों? क्योंकि वहां पर तो बहुत काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो है कुपोषण की जो संख्या है बच्चों में, वो ज्यादा दिखाई दे रही है। नमस्कार सर, एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक इस विषय को, इस मुद्दे को आप लोग लेकर आए हैं, और बहुत जरूरी है हर घर हर परिवार तक ये मुद्दा, ये इशू पहुंचना। पूरे देश का जो फ्यूचर है, 39% जो बच्चे हैं हमारे देश में, जो फ्यूचर है, और खासतौर से आप बात कर रहे हैं ट्राइबल एरिया की, आदिवासी एरिया की, जहां तक बहुत सारी चीजें नहीं पहुंच पा रही है, मगर बहुत कोशिश की जा रही है, काफी सारे प्रयास हैं। कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ के जो दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर का जो नक्सलाइट एरिया है, वहां पर मैंने विजिट किया, और वहां पर भी अंदर एरिया जहां गवर्नमेंट बहुत सारी मशीनरी नहीं पहुंच पाती है, वहां पर विजिट किया मैंने रामकृष्ण आश्रम के साथ। तो वहां भी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, वो ट्राइबल बेल्ट इंटीरियर में माएं आ रही हैं वहां पर ट्रीटमेंट लेने के लिए, जो कुपोषित बच्चे हैं उनके साथ माँ और बच्चे दोनों को डाइट दी जा रही है, और उसके बाद ठीक होने के बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। ये देश के हर कोने तक फैली हुई ऐसी व्यवस्था है कि एक तरफ हम चांद पर जा रहे हैं, 5 trillion इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बच्चों में हम देखें, जैसे मैं यूनिसेफ का भी आंकड़ा देख रहा था, तो 2019 में जो उन्होंने रिपोर्ट दी, 69% बच्चे हमारे यहाँ कुपोषित हैं, 69% बच्चे 0 से 5 साल वाले। आपने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर रखा है, तो सच में कंडीशन बहावा है, डरावनी है और चिंतन करने वाली है। मुझे लगता है कि आगे बहुत सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर खास तौर से शहरों में भी ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मगर ट्राइबल एरिया या रूरल एरिया जो हमारे देश का है, वहां पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी किसकी कैसे हो, कैसे हो सकता है, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आप चर्चा करेंगे, तो फिर एक एक करके। ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूँ, मैं जरा विनय जी को जोड़ लेता हूँ। विनय जी, एक चीज बताइए, ये 67% का जो आंकड़ा है, ये बताता है कि इसमें ग्रामीण इलाके तो हैं ही, लेकिन इसमें शहरी इलाकों के बच्चे भी शामिल हैं। अब ये आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हमें तो लगता है कि हम खाना पीना दे रहे हैं अपने घरों के अंदर बच्चों को, लेकिन वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, ये सबसे पहले कैसे पहचान हो, कैसे पता चले, और क्या क्या चीज़ें हैं जो अपनी अपने बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी डाइट के अंदर शामिल करनी चाहिए, आपको इसमें क्या लगता है? हमारी कंट्री के अंदर में एजुकेशन अवेयरनेस की बहुत कमी है। उसका रीजन क्या है कि प्रॉब्ली गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए एजुकेशन के मामले में, बिकॉज जब आप एजुकेट हो जाओगे, आपके पास नॉलेज आएगी, आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो शहरों के अंदर में आपको क्यों लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता? जो शहरों के अंदर में लोग रहे हैं, वो लोग हैं जो गाँव से इमिग्रेट करके यहाँ पे आए हैं। वो यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि उनको काम की जरूरत है। जब यहाँ काम की मिलती है, उनको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे उनके एक्सपेंस भी प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब वो शहरों के अंदर में आते हैं तो उनका लाइफस्टाइल बदलता नहीं है। उनको हो सकता है पैसे 2 extra मिल रहे हो, लेकिन उनका लाइफस्टाइल वैसे, और उनका मोटिव होता है किसी तरह से हम लोग पैसे बचाए ताकि हम गाँव में वापस दे पाए, अपनी माँ को दे पाए, फादर को दे पाए। तो जब न्यूट्रिशन की बात आती है, पैसे बचाने की बात आती है, सबसे पहले हमारा इफेक्ट पड़ता है न्यूट्रिशन के ऊपर में। तो हम लोग उन चीजों का सेवन करते हैं जिसको हमें सस्ता मिलेगा सबसे पहले। वो सस्ते में क्या मिलता है? मुझे आटा मिलता है, मुझे चावल मिलता है, जो सरकार मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, लेकिन क्या उसके अंदर में एडुकेट न्यूट्रिशन है उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए, देखने के लिए कि नहीं? तो जब तक हमारी पॉलिसीज के अंदर में चेंज नहीं आती जिसमें एडुकेट प्रोटीन इनटेक हो, कार्बोहाइड्रेट की लेवल, देखिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, लोग किसानों को बोल रही है आप ऑल्टरनेटिव फार्मिंग में जाइए। क्यों बोलती है? बिकॉज उनको पता है कि चावल, गेहूं,
गन्ना ये हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, ज्यादा डिजीज दे रहा है बनस्पत की न्यूट्रिशन दे रहा है। जबकि अगर हम मिलेट्स में जा रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट बोल रही है मिलेट्स में आप प्रोडक्शन कर लीजिए, क्यों? बिकॉज मिलेट होलसम फूड है, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अंडे की अवेलेबिलिटी, दूध की अवेलेबिलिटी, उसका कॉस्ट वो कितना मिल रहा है बच्चों को। थर्डली हमारी कंट्री प्रेडोमिनेंटली वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन डाइट में वैसे ही हमारे प्रोटीन के सोर्सेज कम होते हैं। दाल एक सिंपल प्रोटीन है लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन अच्छा नहीं है कंपेयर टू एन एग, बट कितने सारे लोग अंडा नहीं खाते हैं। सो एक सिंगल फैक्टर नहीं है, मोस्ट कॉमनली हमें ये देखना है कि किस तरह से हम लोगों के अंदर में एजुकेशनल अवेयरनेस बढ़ाएं ताकि वो अप्रोप्रिएटली चीजों को सिलेक्ट कर पाए और उसको फिर यूज कर पाएंगे। वेस्ट के अंदर में ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं है बिकॉज उन लोगों का इकोनॉमी ऐसा है जिसमें वो एजुकेशन पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं। एजुकेशन में फिर अकाउंटेबिलिटी है कि काम रिजल्ट आया कि नहीं आया, और अकाउंटेबिलिटी के बाद आप देखोगे कि उनकी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती है। बिल्कुल, मैं राकेश जी को जोड़ता हूँ। राकेश जी, आजकल हम देखते हैं बच्चों के अंदर भी एक बड़ा ट्रेंड है, शहरों के अंदर भी खास करके बच्चों को खाना खिलाना बड़ा मुश्किल होता है। अब उसके लिए उनको खाने के लिए बहुत बहुत तरीके से जतन करने पड़ते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो खाना भी नहीं खाते हैं, वो जंक फूड या बाकी चीज़ों की तरफ वो शुरुआत से ही रहते हैं। अच्छा, उसकी आदत हम पेरेंट्स खुद ही डाल देते हैं, तो अब इसमें हमें बच्चों को कैसे अच्छा खाना खिलाना चाहिए, हेल्दी फूड हमें कैसे खिलाना चाहिए, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और कैसे किया जाए और क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए? राकेश जी, फाइनली मेरा हेलो आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। या हेलो जी सर, जैसा कि सर मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि ये इसकी शुरुआत हमें पहले दिन से करनी पड़ेगी, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ मैं जनरल मैसेज देना चाहूंगा जो उनके लिए बहुत जरूरी होगा आगे लाइफ में बच्चों के लिए। तो सर पहले 6 दिन तक हमें इंश्योर करना है कि केवल माँ के दूध पे ही रहे बच्चा, उसको एक बूंद पानी भी नहीं दे, कोई घुटी नहीं दे, कोई सैर नहीं दे, जो कि सर ये ज्यादातर बिल्कुल ये नवजात बच्चों के लिए ये कुछ शुरुआत से ही कुछ ऐसे कदम हैं जो कि उठाना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको अपने लाइफस्टाइल के अंदर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो खाने पीने की जो कुछ चीज़ें हैं उसमें जो है उन चीज़ों को शामिल करना बड़ा जरूरी है। मैं जरा हरीश जी को जोड़ लेता हूँ। हरीश जी, इसमें आप कुछ कहना बताना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहला ये इस पे फोकस डालूंगा कि जो आंकड़े आप बता रहे हैं 9 दिन में 250 बच्चे जो भी आप बता रहे हैं, पर ये वास्तविकता इसमें 58 बच्चे हैं, 98 बच्चे जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, और उसमें से भी अभी वर्तमान में 68 बच्चे एडमिट हैं, बाकी बच्चों को रिकवरी करके भेज दिया गया है। तो ये आंकड़े थोड़े से दुरुस्त हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इतना मामला खराब नहीं है जितना कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मामला खराब जरूर, कुपोषण है जरूर, पर इतना नहीं है कि 9 दिन में 250 बच्चे आइडेंटिफाई। ये आंकड़े कहाँ से है मेरी जानकारी में नहीं है, पर वास्तविक आंकड़े 98 बच्चे हैं जिसमें से 68 बच्चे एडमिट हैं, और वो भी आने वाले सप्ताह भर में रिकवर करके मोस्ट ऑफ द बच्चे भेज दिए जाएंगे। और कारण इसमें 40 से 50 बच्चों का ये है कि उनको और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, जैसे डायरिया है, निमोनिया है या मोशन है, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से वो कुपोषण के उस पैरामीटर के अंदर आ जाते हैं। और बच्चे सारे 4 साल के नीचे के, मतलब 5 साल तक का अपना एज ग्रुप होता है, 6 से 5 साल तक का, उसमें 4 साल के नीचे तक के सारे बच्चे अभी वास्तविकता एट प्रेजेंट अभी मतलब जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ स्थिति ये। तो यानी कि आप ही कहना चाह रहे कि इतने ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, बाकी चीजें सब बेहतर हैं, है ना? कुछ आंकड़े अभी, लेकिन जो पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर भी, पूरे भारत के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि 67% जो है वो कुपोषित बच्चों का आंकड़ा है, तो इस पर मतलब स्थिति ठीक है। आप कह रहे हैं कि भाई इस मामले को लेकर, इस केस को लेकर के शायद उतना ना हो, लेकिन देश भर के अंदर हालात तो वैसे हैं। हाँ वो है, जैसे यहाँ पर मैं बैठ के और देख पा रहा हूँ, मेरे सामने है, जिस क्षेत्र में मैं काम कर चुका हूँ उस क्षेत्र की स्थिति मेरे समक्ष है। ऐसे ही जो क्षेत्र पे ग्रास रूट लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, यदि वो आंकड़े ज्यादा बेहतर तरीके से बता सके तो वो ठीक रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सिस्टम में आंकड़े अपडेट होने में समय लगता है। तो ये आंकड़े कहाँ से उठाए गए हैं इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, पर वास्तविकता आंकड़ों में बहुत फर्क है, मतलब आधे से भी कम है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है भाई? जब फील्ड पर जाकर के काम करते हैं तो हम संस्थाएं जो है मिलकर के काम कर रही हैं, सुविधाएं पहुंचाने का कोशिश कर रही हैं, तो क्यों वो उतना इंप्लीमेंट कैसे नहीं हो पा रहा है इतना समय बीतने के बाद? उस,
उसमें नीचे के लेवल पर अगर हम ये कहें, जैसा पहले भी आया कि शिक्षा की कमी है और माँ बाप जो कि काम करने मजदूरी करने निकल जाते हैं और समय पर किट नहीं ले पाते, तो डाइट प्लान के अकॉर्डिंग वो किट प्रॉपर उनको मिल नहीं पाता है, अवेलेबल होने के बावजूद उनको डिलीवर नहीं हो पाता है, बिकॉज कभी कई बार वो माइग्रेशन करके पास के गाँव में चले जाते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे रीजंस रहते हैं जिसकी नेग्लिजेंसी के कारण। अच्छा, आप जब जमीन पर काम कर रहे हैं तो नजर आ रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं, या ग्रामीण इलाकों में आ रहे हैं या शहरों में ज्यादा आ रहे हैं? नहीं, ग्रामीण में ही निश्चित तौर पर ज्यादा है, शहरों में तो इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ अच्छा अवेयरनेस भी है और अप्रोचेबल भी है। यहाँ पर कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम हो जाता है और प्रॉपर तरीके से वो लोगों का जो कंजप्शन है, डाइट को जो दिया जाता है वो भी कम रहता है। अगर उनको 10 दिन पहले खाना है तो 10 दिन बाद खा पाते हैं, क्योंकि वो कलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन इसमें ये देखा जाता है कि लोकल लेवल पे जो हमारे वनों उपज हुआ करती थी उसकी बहुत कमी हो गई। पहले वन हम लोगों को जो पोषण मिलता था अधिकतर वनों से मिल जाया करता था, आज की स्थिति में वनों उपज की एक जिसे बोलते कमी, ये भी एक मुख्य कारण है। ये दोनों चीजों पर भी हम लोगों को ग्रास रूट पे काम करने की आवश्यकता, और कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और अच्छा काम हो भी रहा है, पर निश्चित तौर पे ये है। और बारिश की वजह से ये आंकड़े ज्यादा सामने आते हैं, बारिश के सीजन में पेट खराब होना, स्वस्थ पानी मतलब स्वच्छ पानी के अभाव रहता है, तो इस वजह से ये जो सीजनल डेफिशिएंसी रहती है, सीजनल बीमारियों की वजह से, ये कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये मामले उठ के ज्यादा। ठीक है, मैं जरा विनय जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। विनय सर, एक चीज बताइए कि अगर बच्चा, क्योंकि कम एज है और उसमें अगर किसी और दूसरी डायरिया या दूसरी बीमारी से है, तो चांसेस हैं कि उसमें बच्चे की जो सेहत है उस पर तो असर पड़ेगा ही और वो कुपोषित वाली श्रेणी में भी आ जाए? बिल्कुल, जो जैसे ही आपका प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो जाता है, मीन्स प्रोटीन की बॉडी में कमी होती है, तो हमें समझना है कि बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं, जो इम्यूनिटी बनती है, वो भी एक प्रोटीन से ही जुड़ी होती है। तो जब बच्चा के अंदर में न्यूट्रिशन कम हो गया, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, न्यूट्रिशनल कंडीशन हमारी वर्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए बच्चा हमारा ग्रोइंग एज में है, जब ग्रोइंग एज में ही उसका न्यूट्रिशन बिगड़ जाएगा, वो बार बार बीमार हो जाएगा, तो वो जीवन भर के लिए उसकी हेल्थ पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसकी लॉन्गेविटी कम हो जाएगी और अडल्टहुड में भी उसके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जिसमें हमें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डे वन से इम्प्लीमेंट करना होता है इसको, और वो तब आएगा अनलेस एंड अंटिल अवेयरनेस नहीं आती है। मुझे लगता है कि इस अवेयरनेस के अंदर में, प्रेगनेंसी टाइम के अंदर में, मदर और फादर जो पेरेंट्स हैं उनमें अवेयरनेस देना, पर्टिकुलरली फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, वुड बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव उनके लिए, ताकि हम उनको अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशन के बारे में गाइड कर पाए, बिकॉज हमारा न्यूट्रिशन अभी भी दाल चावल रोटी पे अटका हुआ है, ठीक नहीं है, और इसलिए प्रोटीन की मात्रा नहीं, हाँ, इसलिए उसमें बाकी चीजों को भी ऐड करना बड़ा जरूरी है, तभी हम अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। बहुत शुक्रिया। और आपने एक स्पेसिफिक चीज में कहूंगा कि आपने अभी बताया कि बच्चे खाते नहीं है, वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, हाँ, वही, बिकॉज पेरेंट्स के पास पेशेंस नहीं है ना, उनके पास टाइम है, तो बच्चे को जो उनने मांगा फटाफट दे दिया है, और अगर आप 90% स्क्रीन करेंगे तो वो ऑनलाइन ऑर्डर सुधारने, इस चीजों को सुधारने की जरूरत है, तभी बच्चों के अंदर सुधार आ पाएगा। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन कुपोषण से अगर लड़ाई लड़नी है तो आपको सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी है। यार, रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।